हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखो, कल के दिन जब मार्केट ओपन हुआ था तो बेहतरीन तेज़ी के साथ यस बैंक में क्लोजिंग देखने को मिली थी, लेकिन अब जो कुछ अपडेट्स निकल कर आ रही हैं वो कुछ बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं। मैं आपको ऐसे ब्रोकर्स यहाँ पर दिखाने वाला हूँ जो कि कॉन्टीन्यूअसली यस बैंक को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, और अब जब इतनी बड़ी रैली आ चुकी है, जब इतने अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद लगाई जा रही है, तब भी यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाने की पूरी कोशिश करी जा रही है। तो आखिर वो कौन से ब्रोकर हैं, क्या कुछ यहाँ पर रिकमेंडेशन आई है, क्या टारगेट दिए हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ से जो चीज़ें हैं वो यस बैंक के लिए कैसे ख़राब की जाती हैं। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सो डैट आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, यस बैंक की जो फ्रंट पेज है मैंने आपके सामने रखा है, फाइनली ये आपको यहाँ पर 26.67 पर देखने को मिल रहा है। लगभग 11.5% का मोमेंटम आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में कल के दिन देखने को मिला, और एक टाइम पर 27.04 रुपये पर इसका हाई आपको देखने को मिला था। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखते हो तो शेयर जो है, जहाँ एक टाइम पर 24 रुपये से ऊपर के लेवल नहीं देख पा रहा था, वहाँ की जो क्लोजिंग है वो आपको देखने को मिली है लगभग 27 रुपये पर। तो ये एक दिन में इतना बड़ा मूवमेंट जो है वो शेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन बनाते हुए नज़र आ रहा है। शॉर्ट टर्म में जो रिटर्न प्रोफाइलिंग है वो इसकी अच्छी नहीं है, लेकिन एक साल के रिटर्न्स लगभग 50% के हैं, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। अब अगर चीज़ें यहाँ से सुधरती हैं या इम्प्रूव होती चली जाती हैं तो ये रिटर्न्स आपको शॉर्ट टर्म प्रोफाइलिंग भी इसकी बेटर होती नज़र आएगी, और चीज़ें जो है वो यस बैंक के लिए आने वाले टाइम में अच्छी होने की उम्मीद भी नज़र आ रही है। कल के दिन जो सबसे बड़ा रीज़न रहा इसमें तेज़ी का, वो तो यही है, यानी कि वॉल्यूम। मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया भी था कि यस बैंक में अमूमन जितना वॉल्यूम आता है उतना आ नहीं रहा है, लेकिन जितना आना स्टार्ट हो गया तो आप देखोगे कि यहाँ से एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि जो ओवरऑल चीज़ें हैं वो बाइंग साइड पर ही होती हैं। तो जहाँ पे 17 करोड़ 15 करोड़ 17 करोड़ ऐसे कुछ वॉल्यूम आ रहा था, वहीं कल के दिन 112 करोड़ का वॉल्यूम आया है, और इसमें अगर आप देखते हो तो ड्रास्टिकली इम्प्रूवमेंट जब आया तो शेयर एकदम से बड़ी रैली दिखाई, और एक ही दिन में 11% तक का मोमेंटम जो है वो शेयर के अंदर आपको देखने को मिल गया। अब बाकी सारी चीज़ें अभी बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर रीज़न रहे हैं जिसकी वजह से शेयर में इतनी बड़ी तेज़ी है, लेकिन मैं आपको ये पहले दिखा देता हूँ कि आखिर कौन से ब्रोकर्स हैं वो यहाँ पर जो हैं वो यस बैंक में डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी परसेंटेज की। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ब्रोकरेज सीज 29% डाउनसाइड अहेड। तो ये कौन से ब्रोकर है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पर आपको नज़र आएगा, यस बैंक शेयर्स वॉलेटाइल एज द ब्रोकर सीज 29% डाउनसाइड अहेड। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ब्रोकर का नाम है नोमोरा, इन्होंने न्यूट्रल रेटिंग रखी है, सेलिंग की रेटिंग में नहीं है, न्यूट्रल रेटिंग रखी है, और बोला है कि टारगेट जो है वो 17 रुपये का है। जहाँ पे शेयर 27 रुपये में पहुँच गया है, उसका टारगेट अब कितना दिया जा रहा है, 17 का। टारगेट इंडिकेट्स अ डाउनसाइड ऑफ द 29% फ्रॉम द लास्ट क्लोजिंग प्राइस ऑफ लगभग जो इसकी 24 रुपये के प्राइस के हिसाब से थी। यानी कि फ्राइडे के दिन से पहले इन्होंने बोला था कि यहाँ से लगभग 29% का डाउनसाइड जो है वो शेयर में देखने को मिलेगा, और शेयर जो है वो यहाँ से 17 रुपये पर आ जाएगा, 17 पर आ जाएगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। क्योंकि अगर इतने सारे कॉन्टीन्यूअस ट्रेडिंग सेशन में जहाँ पर मोमेंटम नहीं बन पा रहा था, गिरावट ही हो रही थी, फिर भी शेयर का एक जो लेवल था वो मेंटेन था कि 23 रुपये से नीचे नहीं जा रहा है और 24 से ऊपर नहीं, तो मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा जो सपोर्ट बन रहा है वो 23 का है। इससे नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है, अगर इससे नीचे चला भी गया तो भी अगर आप देखोगे तो 21 रुपये के लेवल हैं, उससे नीचे तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा, और अभी जो उम्मीद है वो तो बुलिश साइड में ही लगाई जा रही है, ठीक है। और इन्होंने कुछ एक्सपेक्टेशंस भी यहाँ पर रखी हैं, जैसे कि इन्होंने बोला है कि जो ROA है वो 0.5% का रहने वाला है, फाइनेंशियल ईयर 2026 में आप देखोगे तो 0.8 का है, जबकि अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो 4.5% का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और 7.5% का फाइनेंशियल ईयर 2026 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इन्होंने बोला है कि जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट जो शेयर के अभी तक थे वो सारे ग्रैब कर चुकी है, तो अब यहाँ से जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर ही जाने वाला है।
आप मुझे अपने ओपिनियन इन पर्टिकुलर ब्रोकर की राय पर जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसा ही सच में होने वाला है, या फिर आपको जो यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है 27% का, यानी कि जो यहाँ से मोमेंटम देखने को मिल रहा है 27 रुपये पर शेयर पहुँच गया, क्या उसी डायरेक्शन में जाएगा? कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर बताइए। अब देखो, लास्ट सेशन के बारे में हम लोगों ने जैसे कि डिस्कस किया है कि क्या कुछ जो लेवल्स वगैरह रहे हैं वो तो ये है, 83,000 करोड़ के आसपास का इनका जो मार्केट कैप है वो पहुंच चुका है। आगे अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखो बहुत बड़े सेलिंग ऑर्डर्स लगे हुए थे, ये आप देखो सेलिंग ऑर्डर्स यहाँ पर देख पा रहे होगे, बाइंग ऑर्डर्स के कंपैरिजन में सेलिंग ऑर्डर्स ज़्यादा थे, फिर भी मोमेंटम बन गया। अब जो रैलीगर के एनालिस्ट हैं उन्होंने क्या बोला है कि टारगेट जो 30 का है, मैंने आपको कुछ लेवल्स बताए थे, देखो मैंने आपको बताए थे 24 अगर क्रॉस हुआ तो सीधा जाएगा 27 पे। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस उठाकर देख लेना, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ या कुछ भी, मैंने आपको डायरेक्टली हर एक वीडियोस में बताया कि सबसे क्रिटिकल लेवल है 24, ये अगर यहाँ से क्रॉस होता है तो 27, फिर है 29, फिर है 32। ये कुछ लेवल्स मैंने आपको बताए और ये आपको क्लियर होते हुए ज़रूर नज़र आएंगे आने वाले टाइम के अंदर। लेकिन वहीं रैलीगेयर के जो ब्रोकर्स हैं उन्होंने बोला है यहाँ पर कि आपको 30 रुपये के टारगेट बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे और एक स्टॉप लॉस 23 रुपये का मेंटेन करके चल सकते हो। वहीं अगर आप यहाँ पर देखो सीजू जो कि प्रभुदास लीलाधर के एनालिस्ट हैं, इन्होंने बोला है कि जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 23 रुपये 70 पे, 23.70 पे। इन्होंने बोला है बुलिश कैंडल तो बन रही है और अगर बाय यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो शेयर जाएगा 28 रुपये 55, 28.55। एक यहाँ सर आपको जो ओवरऑल चीज़ें हैं 25 रुपये 70 के आसपास भी नज़र आ रही हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ लेवल्स हैं आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब ये तेज़ी क्यों बनी, उसका रीज़न जो है प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, तो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करके आपको बार बार एक ही इन्फॉर्मेशन देने का मेरा कोई मकसद नहीं है। तो बस नॉर्मल मैं आपको बता देता हूँ, क्वार्टर वन के कुछ अपडेट्स आए हैं जिसमें शानदार नंबर्स आए हैं और उस वजह से आज तेज़ी देखने को मिली है। डिटेल में देखना हो तो प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देख लेना। एक और अपडेट है जो कि RBI की तरफ से है, जिसमें अगर देखोगे क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, HDFC, एक्सिस, यस बैंक अमंग द 6 लेंडर्स सीकिंग RBI रिलैक्सेशन ऑन द पेमेंट वाया क्रेड और फोन पे। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले सारे क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स को बोला था कि आप जितने भी बिल प्रोसेस करोगे वो सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम भारत बिल पेमेंट के थ्रू ही होगा आफ्टर 30 जून। और इस अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री के जितने भी प्लेयर हैं तो 5 जुलाई तक जो 6 बैंक्स हैं उन्होंने इसको फॉलो नहीं किया था। अब ये जो बैंक हैं HDFC है, एक्सिस है, IDFC है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, इंडियन बैंक्स है और यहाँ पर यस बैंक भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारी जो अपडेट थी मैंने आपको दे दी है। आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। धन्यवाद।